हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस जापानीज नॉवलिस्ट कजाओ इशिगुरो का जो फेमस नॉवल है नेवर लेट मी गो, इस नॉवल की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर एक जापानीज बॉर्न ब्रिटिश नॉवलिस्ट है जिनका जन्म 1954 में हुआ था। इन्हें 2017 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे पहले इनको 1989 में इनके नोवेल द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए बुकर प्राइज़ मिला था। इनके कुछ फेमस नोवेल हैं ए पेल व्यू ऑफ हिल्स, एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, द अनकंसोल्ड, व्हेन वी आर ऑर्फन्स, द बरीड जायंट, क्लारा एंड द सन। और दो फेमस जो मोस्ट फेमस हैं नेवर लेट मी गो एंड द रिमेन्स ऑफ द डे। जो नेवर लेट मी गो है ये 1990s के इंग्लैंड में बेस्ड एक स्टोरी है जिसमें एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाया गया है जहां लोगों की जो लाइफ है वो क्लोनिंग के जरिए बढ़ाई जाती है। मतलब किसी की कोई प्रॉब्लम है, किडनी ख़राब हो गई है, लीवर ख़राब हो गया है, तो उनके क्लोन तैयार किए जा चुके हैं जिन क्लोन से वो ऑर्गन डोनेट करवा कर अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ये जो क्लोन्स हैं इन क्लोन्स को हम स्टूडेंट कहते हैं और इन्हें दुनिया से अलग एक जगह पर ग्रो अप किया जाता है। जब ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अडल्ट हो जाते हैं तब इन्हें केयरर कहा जाता है। केयरर जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के अडल्ट होने के बाद बनते हैं और अब ये रेडी हैं जब ये अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। एक केयरर 3 ऑर्गन्स डोनेट कर सकता है मैक्सिमम, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ऑर्गन डोनेट करने के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तब इसे कंप्लीट कहा जाता है। कंप्लीट एक यूफेमिज्म है यानी कि मरना। केयरर जो हैं वो क्लोन्स हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्गन डोनेट करना स्टार्ट नहीं किया है और ये केयरर उन लोगों की केयर करते हैं जिन लोगों ने ऑर्गन डोनेट कर दिए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट कौन है, केयरर कौन है और कंप्लीट कौन है, ठीक है। जो इस नॉवल की नरेटर है जिसका नाम है कैथी, ये 31 ईयर ओल्ड है जिसने अभी तक ऑर्गन डोनेट नहीं किए हैं। मतलब ये एक केयरर है और ये लास्ट 12 ईयर से केयरर है लेकिन जल्दी ही ये डोनर बन जाएगी। ये जो कहती है ये हेल शाम स्कूल में पढ़ा करती थी। फ्लैशबैक में ये अपनी स्टोरी बता रही है कि ये हेल शाम स्कूल में पढ़ा करती थी। तब इसे याद आता है कि वहाँ पर इसके दो फ्रेंड और थे जिनमें से एक का नाम है टॉमी और एक का नाम है रूथ। अब जब इसे पहली बात ये हमें बताती है तब ये क्या देखती है कि रूथ और कैथी जो हैं वो देखते हैं कि टॉमी जो है वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है लेकिन उसको फुटबॉल की टीम में नहीं लिया जाता है, जिसके कारण टॉमी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है। टॉमी जो है उसे वो क्रिएटिव भी नहीं होता है, यानी कि ये जो जितने भी ये केयरर हैं या ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्रिएटिव भी होने चाहिए, ये क्रिएटिव नहीं है और ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। जब भी कोई इसे बुली करता है तब भी ये बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फुटबॉल वाले एपिसोड में तो ये दुखी होता ही होता है। तब एक दिन इसको जब बुली किया जाता है, इसको जब कुछ स्टूडेंट्स को तंग करते हैं तब ये गुस्सा नहीं होता है। तो कैथी पूछती है कि क्या बात है, आज तुम गुस्सा नहीं हुए हो? तो वो बताता है कि एक हमारी नई गार्जियन आई है जो कि हमें ये बताती है कि जिसका नाम है मिस लूसी, वो हमें ये बताती है कि आपको अगर आप क्रिएटिव नहीं होना चाहते हैं तो आप मत होइए। कैथी को जब ये मिस लूसी के बारे में बताया जाता है तो वो कहती है मिस लूसी से मिलती हैं तो मिस लूसी ने कैथी टॉमी को ये भी बताया होता है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिव होने के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बल्कि वो ये कहती है कि स्टूडेंट्स को और डोनेशन के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए। डोनेशन मतलब जो उन्होंने अपने ऑर्गन्स अपने अंग को दान करना है, डोनेट करना है। अब ये कैथी और टॉमी ये सोचते हैं कि शायद डोनेशन और क्रिएटिविटी के बाद बीच में कोई रिलेशन है।
कैथी तब एक्सचेंज के बारे में बताती है। एक्सचेंज में ये होता है कि स्टूडेंट्स जब अपने किसी आर्ट वर्क को सबमिट करते हैं तब उन्हें कुछ टोकन मिलते हैं जिससे कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के वर्क को या किसी और चीज़ को परचेज कर लेते हैं। कैथी, टोमी और बाकी फ्रेंड्स जब सबमिट करते हैं तब उन्हें टोकन नहीं दिए जाते हैं क्योंकि मैडम उनकी आर्ट तो चाहती हैं पर टोकन नहीं देती हैं। इसके बाद में उनको सेल्स के बारे में भी पता चलता है। एक्सचेंज से उनको टोकन मिलेंगे जिन टोकन से वो कुछ क्लोथ्स और टॉय वगैरह खरीद सकते हैं। कैथी उनको अपने फ्रेंड्स टोमी और रूथ को ये भी बताती हैं कि कुछ फ्रेंड्स ने एक ग्रुप बनाया है जो कि मिस गेराल्डिन को प्रोटेस्ट करेगा। इस ग्रुप की रीडर है रूथ जो सबको ये कन्विंस करती है कि मिस गेराल्डिन को किडनैप करने का एक प्लॉट बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है वो उनको डर लगता है कि स्कूल के पीछे एक जंगल है जहाँ पर ये अफवाह होती है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाकर मर जाते हैं। तब कैथी को मिस एमिली के बारे में ध्यान आता है। मिस एमिली ने उनको इंग्लैंड की कंट्रीज के बारे में बताया था। टॉम का ये जो आर्ट है ये भी सबको दिखाया जाता है तो कोई भी टीचर इस आर्ट को पसंद नहीं करता है। मिस एमिली ने उनको ये बताया था कि यहाँ पर एक नॉरफोक है जिसे इंग्लैंड का लास्ट कॉर्नर कहा जाता है। अब वो ये सोचते हैं कि जो हमारे स्कूल के पीछे है वो लास्ट कॉर्नर है, यानी कि जो कुछ भी, अब वो एक एनालॉजी बनाते हैं कि जो कुछ भी इंग्लैंड में मिस होगा वो हमारे नॉरफोक में दिखाई देगा। इसके बाद मिस एमिली एक बार दो स्टूडेंट से ये बात करते सुनते, इनको टाइम पास के लिए मूवी भी दिखाई जाती है। इस मूवी को देखने के बाद कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है मिस लूसी, और वो उनको बताती है कि भैया आप लोग एक्टर नहीं बन सकते हो बिकॉज आप लोगों की लाइफ है वो सेट कर दी गई है, आपको बड़ा होकर ऑर्गन डोनेट ही करना है और उसके बाद आप कंप्लीट हो जाओगे। फिर उनको ये भी बताया जाता है कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है और आपको अपनी लाइफ में सेक्स नहीं करना है। कहता है कि वो क्योंकि अगर आप सेक्स करेंगे तो आपके बेबी हो सकते हैं और ऑर्गन डोनेट वाला जो है वो बेबी नहीं होना चाहिए। रूथ और टॉमी जो है वो कई टाइम तक डेट करते हैं जिससे कैथी बड़ी जिलस हो जाती है। और वो एक और प्रॉब्लम भी है कि कैथी देखती है कि कुछ फ्रेंड्स जो हैं उनको हालांकि मना किया गया है कि आपको सेक्स नहीं करना है, फिजिकल इंटीमेसी नहीं करनी, लेकिन उसके कुछ फ्रेंड्स करते हैं। कैथी अपने एक फ्रेंड हैरी के साथ इंटीमेसी के बारे में सोचती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद टॉमी और रूथ का ब्रेकअप हो जाता है तो कैथी सोचती है कि मैं टॉमी के साथ में डेटिंग स्टार्ट करूँगी। ब्रेकअप के बाद रूथ कैथी को कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं टॉमी से वापस ब्रेकअप के बदले टॉमी से वापस अपने रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती हूँ। अब ये स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं और इनको कॉटेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर वो रीडिंग और टॉकिंग करते हैं और अपने स्कूल के फाइनल एसे के ऊपर काम करते हैं। वो यहाँ पर कुछ वेटरन भी रहते हैं, वेटरन मतलब वो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। कैथी इनमें से कुछ वेटरन्स के साथ में अपनी फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करती है। ये जो वेटरन है ये केयरर की ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन कोई भी इनके बारे में बताता नहीं है और ना ही वो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो इनको छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है। एक बार एक वेटरन कपल जो है वो हॉलीडे से वापस आता है और वहाँ पर वो ये देखता है कि वो कहते हैं कि हमने ना रूथ, हमने आपका एक पॉसिबल देखा है। पॉसिबल वो लोग हैं जिन लोगों को पॉसिबल वो लोग हैं वो मॉडल हैं जिनके अनुसार क्लोन्स को तैयार किया गया है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी न किसी पॉसिबल को देखकर मॉडल बनाए गए हैं। अब जैसे ही इन लोगों को पता लगता है कि मैम ने एक पॉसिबल देखा है तो कैथी, टॉमी, रूथ और बाकी सब लोग नॉरफोक जाते हैं और ये कपल भी कहता है कि हम वहाँ पे नॉरफोक में हमारे एक फ्रेंड रहते हैं जो कि केयरर हैं, और वो उन ग्रुप से भी पूछते हैं। कि फिर यहीं पर कैथी और टॉमी को पता चलता है कि कपल जो है, जो कपल होते हैं
वो अपनी डोनेशन को डिले करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैथी और टोमी साहब सब ग्रुप जो है वो ऑफिस में जाता है जहाँ पर वो रूथ के पॉसिबल को एक विंडो के थ्रू देखते हैं, और उसके बाद में वो सब लोग आर्ट गैलरी जाते हैं। जब वो लोग नज़दीक होते हैं तो कैथी को तो रूथ को समझ में आता है कि ये लेडी तो मेरे जैसी नहीं है, ये मेरी मॉडल, ये मेरी पॉसिबल नहीं है। कपल जो है वो अपने केयर फ्रेंड के पास जाते हैं, वहाँ पर टोमी जो है कैथी को अपनी आर्ट शो करता है, लेकिन रूथ जो है वो उस जो मैंने आपको पहले इनकी आर्ट डिज़ाइन दिखाया था, इस आर्ट डिज़ाइन का मजाक उड़ाती है। कैथी जो है वो रूथ से पूछती है कि तुम टोमी को ऐसे ट्रीट क्यों करती हो, क्योंकि इस एक्शन से टोमी को हर्ट होता है और कोई भी गर्लफ्रेंड कभी भी इस तरीके का काम नहीं करता है। रूथ कहती है कैथी इसलिए गुस्सा है क्योंकि टोमी ने कभी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं गया है। कैथी जो है अब केयरर के रूप में अपना पेपर वर्क कंप्लीट करती है और वो केयरर का काम स्टार्ट करती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। अब इसे एक और केयरर मिलती है जिसका नाम है लॉरा। लॉरा भी हेल्थ शाम की स्टूडेंट थी। लॉरा उसे बताती है कि रूथ ने अपना डोनेशन किया है और वो फर्स्ट डोनेशन बहुत ही बुरा रहा, उसने अपनी आई डोनेट की थी। कैथी जो है अब क्योंकि अब जब कोई डोनेट करता है उसके बाद उसको केयरर की ज़रूरत होती है, तो कैथी डिसाइड करती है कि मैं रूथ की केयरर बनूंगी। अब ये जब दोनों जने मिलते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो हम टोमी से दोबारा मिलते हैं। टोमी भी एक रिकवरी सेंटर में हैं, वहाँ पर वो टोमी से मिलते हैं और तीनों लोग जंगल में जाते हैं जहाँ पर वो एक नाव को देखते हैं। अचानक से रूथ अपोलोइज करती है कि कैथी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। फिर वो ये भी बताती है कि रूथ बताती है कि मेरे काफ़ी वेटरन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप थे और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे कारण तुम और कैथी और टोमी दोनों अपार्ट हो गए। और वो कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हें एक डेफरल के लिए अप्लाई करना चाहिए। डेफरल मतलब कि इनको थोड़ा सा डिले किया जाए, इनका जो डोनेशन है वो थोड़ा सा डिले किया जाए। कैथी रोने लग जाती है और फिर वो टोमी को वापस रिकवरी सेंटर में छोड़कर आती है। रूथ जो है वो अपना सेकंड डोनेशन देती है और उसके बाद में वो मर जाती है, और कैथी जो है वो अब टोमी की केयरर बनना स्टार्ट करती है। कैथी जो है टोमी की केयरर बन जाती है, टोमी अपना थर्ड डोनेशन दे देता है। इसके बाद दोनों सेंटर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं और टोमी जो है बहुत सारी ड्राइंग बनाता है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम मैडम से जाकर मिलेंगे। इसी बीच में टोमी जो है वो रूथ को एक जब पहले ये लोग गए थे एक्सचेंज में तो रूथ को कैथी को एक टेप रिकॉर्डर पसंद आया था, तब टोमी के पास टोकन नहीं था इसलिए उसने लेकर नहीं दिया था। अब टोमी इसे एक टेप रिकॉर्डर लेकर देता है जिसके ऊपर वो गाना चलता है नेवर लेट मी गो, और ये गाना बार 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 बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह से नोवेल में चलता है। अब वो ये लोग मैडम के पास जाते हैं। ये जो मैडम है वो है मिस इमिली। जब ये मिस इमिली के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको बताते हैं कि हम हेल शाम से हैं और हम यहाँ पर डेफरल की बात करने आए हैं। यहाँ पर मिस लूसी और मिस एमिली दोनों जने आते हैं। टोमी कहता है कि मैडम को मेरी जो आर्ट है वो इसलिए पसंद है क्योंकि मैडम जो है वो सोल को देखना चाहती है। टोमी बताता है कि गैलरी में मेरा कोई आर्ट वर्क नहीं है और फिर वो अपनी ड्राइंग जो है मैडम को दिखाता है। मिस इमिली आती है और ये जो मिस इमिली उनको ये बताती है कि जो ये डेफरल है वो एक र्यूमर है। वो कहता है कि हेल्शम जो है वो डोनेशन को थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहता था, ताकि क्योंकि जब लोग देखते थे ना कि डोनेशन के बाद में लोग मर रहे हैं तो लोग डोनेशन से डरते थे, इसलिए उन्होंने एक डेफरल का एक र्यूमर फैला दिया जिससे कईयों को लगे कि शायद एक चांस है और वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। फिर वो कहते हैं कि हमने आर्ट वर्क इसलिए कलेक्ट किए थे ताकि हम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि क्लोन्स के अंदर भी एक सोल है, उनकी एक सोच समझ है। इसके बाद में वो समझ जाते हैं
कैथी और टोमी समझ जाते हैं कि हमारे को डेफरल नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफरल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके बाद टोनी लास्ट डोनेशन करता है और वो कहता है कि मुझे एक डिफरेंट केयरर चाहिए, मैं कैथी को अपना केयरर नहीं मानता हूँ। इसके बाद वो दोनों गुड बाय किस करते हैं और इसके बाद टोमी जो है उसकी डेथ हो जाती है और लास्ट में कैथी जो है वो नॉरफोक वापस जाती है। अगर हम बात करते हैं इस नॉवल की थीम की, तो थीम में सबसे पहला जो है टाइम, टाइम मतलब जो लॉस हो चुका है। करेक्टर्स को अच्छे भले पता है कि हम यंग ही मर जाएंगे, यंग एज में ही वो डोनेट करेंगे और वो मर जाएंगे और उनकी जो डेथ है वो इनएविटेबल है, निश्चित है। डेफरल का मतलब है कि वो टाइम को रोकना चाहते हैं या टाइम को बाय करना चाहते हैं। डेफरल होगा तो थोड़ा लेट उनको डोनेशन होगा, डेफरल से टाइम एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि डेथ जो है वो फिक्स है, वो तो होगी होगी, थोड़ा सा टाइम हम उसको डिले कर सकते हैं। जो एटर्नल डिजायर की या टाइम को स्लो डाउन करने की डिजायर है, उस वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो डोनेशन प्रोग्राम से स्टार्ट होती है। हर पर्सन जो मरना नहीं चाहता है, जिसके कोई बॉडी ऑर्गन फेलियर हो गए हैं, वो डोनेशन की तरफ जाता है। मेमोरी, अगर हम मेमोरी को बात करें तो कैथी जो है वो अपनी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा ज़्यादा होल्ड कर रखती है। अगर आप टाइटल देखें क्या है, नेवर लेट मी गो, यानी कि टाइटल भी मेमोरी की बात करता है। मेमोरी से ही वो हर एक चीज़ जो वो खो चुकी है उसको वो याद करती है। देखिए स्टोरी जो है वो कैथी और उसकी मेमोरी के जरिए ही है। मेमोरीज़ जो हैं वो हमेशा गुड रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, कई बार बैड रिप्रेजेंटेशन भी होती है। जैसे इस नोवेल में उन्होंने रूथ और टोमी और बाकी सब डेफरल्स की डेथ को बताया है। क्लोन जो वो सब इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं जो हम ह्यूमन लाइफ जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी लाइफ में फील करते हैं। आर्टवर्क जो है, आर्टवर्क से जो क्लोन्स हैं वो ये शो करते हैं कि हमारी भी एक सोल है जैसे ह्यूमंस की सोल है। अगर सॉन्ग की बात करें, नेवर लेट मी गो, ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग इस नोवेल का हार्ट है। कैथी को एक टेप रिकॉर्ड मिला था जिस टेप रिकॉर्ड में ये सॉन्ग बजाया जाता है और ये सॉन्ग बार बार इस नोवेल में आता है। ये सॉन्ग तब भी बजता है जब कैथी और टोमी को ये पता चलता है कि डेफरल जो है वो रियल लाइफ में नहीं है। जब लास्ट में कैथी से ये जो टेप रिकॉर्ड है वो मिस हो जाता है, तो ये बताता है कि इसके बाद हम कैथी को कितने ज़्यादा कैथी के फ्रेंड्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। एक बोट इन्होंने दिखाई थी जब कैथी, टॉमी और रूथ जो हैं वो डोनेशन के बाद में जंगल में जाते हैं, वहाँ उनको एक बोट दिखाई देती है जो कि बोट जो पानी में क्रम्बल कर रही होती है, जो ये शो करती है मोरलिटी को शो करती है। बोट एक स्केल्टन की तरह दिखती है जो समय के साथ साथ ख़त्म हो गई है। इसी तरह से करेक्टर्स की जो लाइफ है वो भी समय के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गई है। एक और बात है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ओपन प्लान ऑफिस का। ओपन प्लान ऑफिस नॉरफोक के अंदर होता है, जहाँ पर रूथ का जो दिखाया जाता है कि रूथ का जो पॉसिबल है जिससे मिलने के लिए सब लोग नॉरफोक जाते हैं, वो एक ओपन प्लान ऑफिस में काम करता है। अब रूथ जो है वो इस ओपन प्लान ऑफिस में काम करने की आइडिया से ऑब्सेस हो जाती है। ये विश करती है कि करेक्टर्स जो हैं वो उनका वो भी एक फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जिस जो फ्यूचर उनका कभी होगा नहीं क्योंकि वो क्लोन है। फिर ये एक बिलबोर्ड पर भी ओपन प्लान ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर रूथ कैथी को मैडम का एड्रेस देती है। ये जो ओपन प्लान ऑफिस है ये फिर से होप को जिंदा करता है जो कि बाद में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाद में कैथी और टोमी को पता चलेगा कि बॉस डेफरल नाम का कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।